हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या गोल होता है, क्या एम होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स सभी को पता होगा आप सभी को कि समथिंग दैट यू ट्राई टू अचीव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि वो कुछ भी जो आप अचीव करने की कोशिश करते हो। आपको एग्जामिनेशन पास करना है, आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, आपको यूनिवर्सिटी में रैंक लेके आना है, आपको IIT या फिर IIM में एडमिशन पाना है, आपको IAS या PCS बनना है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी चला रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव अलग अलग लोगों का अलग अलग नेचर का होता है। तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो क्यों करते हैं। तो बट ऑब्वियसली बात है, आपने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी है कि रिसर्च में क्या होता है कि हम टू सर्च न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। जब आप साइंटिफिक प्रोसीजर का यूज करके आप क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो वही चीज क्या कहलाता है, आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च यानी कि आपने क्या किया, रिसर्च का यूज करके आंसर्स को फाइंड आउट किया। तो रिसर्च का पर्पज क्या हुआ, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरीके से मेन एम अगर हम बात करें रिसर्च का क्या है, तो फाइंड आउट द ट्रूथ व्हिच इज हिडन एंड व्हिच हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड, यानी कि या तो हिडन है उसको आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, या फिर आप डिस्कवर करने की कोशिश, तो पता ही नहीं था तो आप पहली बार उसको डिस्कवर कर रहे हो, तो डिस्कवर करने की भी कोशिश करते हो। तो रिसर्च का मेन एम यही होता है कि जो हिडन ट्रूथ होता है या फिर जो अननोन चीजें होती हैं उसको नॉन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे फिनोमिना होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं, उस फिनोमिना के बारे में फैमिलियरिटी पाते हैं, गेन करते हैं। तो टू गेन फैमिलियरिटी विथ फिनोमिना और टू अचीव न्यू इनसाइट इनटू इट। इनसाइट का मतलब क्या हो गया, डीप लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग। तो किसी फिनोमिना के बारे में जानकारी हासिल करना या फिर उसके बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग जो है गेन करने का मेन मोटिव भी होता है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है। कि रिसर्च के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी फिनोमिना के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं या फिर न्यू इनसाइट उसके बारे में जान सकते हैं। तो इस टाइप के रिसर्च को क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी भी कहते हैं इस टाइप के रिसर्च को। जैसे आवर सेल्स आर डिक्लाइनिंग एंड वी डोंट नो व्हाई, मतलब हमारी सेल्स डिक्रीज हो रही है, कोई कंपनी का ऑनर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि हमारी कंपनी का जो सेल है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है हमें पता ही नहीं है। तो अब इसके बारे में आपको जानना है कि क्यों हो रहा है आपका सेल डिक्रीज, तो आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे, किस टाइप का, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे। क्लियर। इसी तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करना है सिचुएशन के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना है, तो आप क्या करते हो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हो। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करना, आप क्या करते हो, टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। पोर्ट्रे का मतलब क्या होता है, डिपिक्ट करना, ठीक है। तो जब आपके वो किसी पर्सन के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में उसको डिस्क्राइब करना होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होता है, तो भी आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो, और उस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। क्लियर। डिस्क्रिप्टिव यानी कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो चीज़ों को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हो, जैसे व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर बाइंग आवर प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे क्या करो, डिस्क्राइब करोगे इस टाइप के रिसर्च में, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर बाइंग प्रोडक्ट, यानी कि किस टाइप के लोग हमारे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो आप काइंड ऑफ प्रोडक्ट, काइंड ऑफ कस्टमर्स के बारे में जानना चाह रहे हो, तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। क्लियर। यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं आप ढूंढ रहे हो, बस आप जानना चाहते हो कि किस लोग, किस तरीके के लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर और विथ विच इट इज एसोसिएटेड विथ समथिंग एल्स, यानी कि कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंसी से जो है किसी दूसरे से रिलेट है या फिर किस फ्रीक्वेंसी से वो चीज़ ऑकर करती है, इस चीज़ को भी हेल्प करता है रिसर्च। ठीक, इस टाइप को रिसर्च को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक रिसर्च। यहाँ पे डायग्नोस करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन किससे कितना रिलेटेड है, कौन सा जो वेरिएबल है वो दूसरे से कितना रिलेटेड है, उस टाइप के अगर आपको जानना है किसी चीज़ के बारे में तो डायग्नोस्टिक रिसर्च कहते हैं। इसी तरीके से कॉजल रिसर्च आता है, टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ ए कॉजल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। कॉजल रिसर्च क्या होता है, कॉजल में हम नॉर्मली जानना चाहते हैं कि क्या होगा इफेक्ट, विल बायर परचेज मोर ऑफ आवर प्रोडक्ट इन न्यू पैकेज, ये क्या है, कॉजल रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्या अगर हम अपनी पैकेजिंग को चेंज करते हैं तो क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा परचेज करेगा। तो हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग और परचेजिंग दोनों पे हम रिलेशनशिप को कॉजल
रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉजल मतलब कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि अगर हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ पे क्या होगा। तो हमने पैकेजिंग चेंज करने की बात कही तो उसका इफेक्ट जो है परचेजिंग पे क्या होगा, क्या ज़्यादा परचेजिंग होगी या फिर कम परचेजिंग होगी। तो कॉजल, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं रिसर्च के। तो अगर आप समराइज करें इनको तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च हो सकता है वो कि आप जो है नए क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, हिडन ट्रुथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, समथिंग जो कि डिस्कवर नहीं हुआ उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, किसी फिनोमेना के बारे में फैमिलियरिटी पाने की कोशिश करते हैं, न्यू इनसाइट्स नई जानकारी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कौन सी चीज़ कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑकर हो रही है या किसी दूसरे से एसोसिएटेड है उसको जानने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का, रिसर्च इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। शो ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।